हेलो वर्ल्ड, वेलकम बैक अगेन टू द चैनल। आज जिस टॉय की मिलकर आप और हम साथ में अनबॉक्सिंग करेंगे वो एक मनी सेव है, पिगी बैंक या कॉइन बैंक, किसी भी नाम से आप इसे कह सकते हैं। इसमें जो फीचर है, ये सर बॉक्स से ही पता चल रहा है, फेस रिकग्निशन फीचर इसमें साथ में दिया हुआ है और देखने में काफ़ी अच्छी लग रही है ये पिगी बैंक। जैसे पूरा एक ATM मशीन की तरह ये प्रॉपर इसमें इसका एक लुक दिया हुआ है। साथ में फेन रिकग्निशन बॉक्स है और देखिए बॉक्स में साथ में कंटेंट में क्या है। इसमें फेस रिकग्निशन सिमुलेशन एरिया है, पासवर्ड चेंज कर सकते हैं इस बटन को प्रेस करके। कॉइन स्लॉट इसमें यहाँ से दिया है, यहाँ से आप कॉइन्स डाल सकते हैं। कंफर्म बैंक नोट स्लॉट, यहाँ से बैंक एंटर करेगा, मतलब बैंक के लिए जो आप नोट्स वगैरह है वो यहाँ से डालेंगे। और बैंक कार्ड इसमें आपको साथ में दिया हुआ है और कुछ खास इसमें ऐसा कुछ बताया नहीं हुआ है। तो एक बार इसको ओपन करके देख लेते हैं, फिर देखते हैं इसमें हमें क्या क्या मिलता है और इसमें क्या क्या फीचर्स हैं। और सब कुछ बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे इसमें पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं, इसका डिफ़ॉल्ट पासवर्ड क्या है, जो फेस रिकग्निशन फीचर है वो कैसे वर्क करता है, ये सब कुछ बताऊँगा आपको। चलिए इसको ओपन करके देख लेते हैं पहले। तो कुछ ऐसी हमारी पिगी बैंक है। अगर प्लास्टिक क्वालिटी बिल्ड क्वालिटी वाइज बात करूँ तो काफ़ी अच्छी बिल्ड क्वालिटी इसमें दी गई है। ये इसमें कार्ड साथ में ये दिया हुआ है, ये स्लॉट में इंसर्ट होगा, यहाँ पे कॉइन्स जाएंगे जैसे बुक इंटरफेस में लिखा हुआ था। इसमें दो कलर्स आपको मिलते हैं, इसमें एक ऑरेंज और येलो एंड ग्रे शेड में आता है और जो एक दूसरा कलर मिलेगा आपको इसमें वो आपको ये वाला कलर टोन मिलेगा। तो सबसे पहले इसमें बैटरीज डाल लेते हैं। यहाँ पे इसका बैटरी कंपार्टमेंट है तो इसमें आपको 3AA बैटरीज की रिक्वायरमेंट है। तो एक बार जल्दी से मैं बैटरीज डाल लेता हूँ। ओके, तो बैटरीज इसमें मैंने डाल ली हैं। सबसे पहले इसके साथ एक लीफ मिली थी, उसको पढ़ लेते हैं। इसमें इस पेज पे मेंशन किया हुआ है कि AA बैटरीज यूज़ करें, तो 3AA बैटरीज हमने यूज़ कर ली है, मिक्स नहीं होनी चाहिए 3 बैटरीज, ठीक है। इसमें कुछ यहाँ पे चाइनीज़ में लिखा हुआ है तो वो हमारी समझ में नहीं आएगा, हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं। इसका जो डिफ़ॉल्ट पासवर्ड है 3x0 है, तो यानी जो और पिगी बैंक्स होती हैं जिसका 4x0 होता है, तो इसमें 3x0 है। तो यानी आपको इसमें 3x0 प्रेस करके देन ओके प्रेस करना है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड इसमें बताया गया है, फ्रॉम द नोट इनटू द करेंसी और कॉइन इनटू द माउथ मनी इनटू सेविंग, ठीक है। यहाँ से कॉइन्स इंसर्ट होंगे, यहाँ से मनी इंसर्ट होगा, हम समझ चुके हैं। सेकेंड, विड्रॉ करने के लिए इनपुट द पासवर्ड 000 टाइप करके ओके करना है और अपना फेस रिकॉग्नाइज करना है यहाँ पे। पासवर्ड रीसेट भी आप इसमें कर सकते हैं, तो ज़्यादा इसमें कुछ खास नहीं दिया हुआ। तो एक बार मैं आपको कंफर्म कर देता हूँ इसमें सबसे पहले कि ये जो आप स्क्रीन देख रहे हैं ये कोई डिजिटल स्क्रीन नहीं है, ये जस्ट एक स्टिकर लगा हुआ है। इसके अंदर सिर्फ ये होगा कि यहाँ पर आपको एक कैमरा दिया हुआ है जो आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगा। इसके लिए आपको फेस को कम से कम इतना पास तक लेके जाना पड़ेगा इसके, ठीक है। ऐसा नहीं कि दूर से आपका फेस रिकॉग्नाइज कर लेगा, बहुत पास लेके जाना पड़ेगा। और ये जो आप देख रहे हैं ये ऐसा नहीं कि इसकी वजह से ही, जैसे कार्ड जब तक आप इंसर्ट नहीं करेंगे तो ये कॉइन बैंक शुरू नहीं होगा, नहीं। ये जस्ट एक एज अ प्रोब या कह सकते हैं शोपीस टाइप दिया हुआ है, या बच्चों को एक जैसे उनका एक अपना पर्सनल कार्ड मिल गया है तो जिससे एंटर करके वो प्राइस वगैरह या जो भी पैसे वगैरह वो निकाल सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ, 1, 2, 3, जैसे ही आप ये ओपन करेंगे देखिए यहाँ पे फेस रिकग्निशन ऑन हो गया, तो आपको अपने फेस को बहुत पास लेके आना पड़ेगा इसके। तो मैं एक बार ले आता हूँ, ये ऐसे देखिए ओपन हो गया। तो 4 सेकेंड्स के बाद, ठीक है, एग्जैक्टली 4 सेकेंड के बाद इसका लॉक बाहर आ जाता है, फिर आप इसे ऐसे लॉक कर सकते हैं, वरना लॉक नहीं होगा। फिर से दिखाता हूँ आपको, मैं 3x0 टाइप करता हूँ, 1, 2, 3। ये देखिए यहाँ पर कैमरे में शो करता है कि एक तरह का इसमें, या देखिए सेंसर ऑन हो गया जो आपका फेस डिटेक्ट करेगा। तो एक बार फेस डिटेक्ट करवा देते हैं इसको अपना, ठीक है, ऑन हो गया। देन अगेन 1, 2, 3, ये यहाँ से ये ऑन हो जाएगा, ये ओपन हो जाएगा, ठीक है। और अगर इसका आपको पासवर्ड चेंज करना है तो वो भी बता देता हूँ, आपको ऑन करके रखना है, इस लॉक को क्लिक करना है और कोई भी 3 टाइप आप टाइप कर दीजिए, 1, 2, 3, देन ओके करके आप इसको लॉक कर दीजिए। अभी आपका पासवर्ड चेंज हो गया, अब देखिए 3x0 अगर आप करेंगे तो, ठीक है, आपका पासवर्ड जो है 1, 2, 3, फिर आपको
फेस दिखाना है और ये आपका पासवर्ड ओपन हो गया, लेकिन हमें 3x0 ही रखना है। फिर से हम इसको क्लिक करेंगे 2, 3 ओके, और पासवर्ड इसका चेंज हो गया, ठीक है। और साथ ही इसमें एक बार नोट इंसर्ट करके देख लेते हैं हम। जब आप इसमें नोट इंसर्ट करेंगे तो एक म्यूजिक सा चलेगा इसके साथ, तो जैसे मैंने शुरू में बताया था कि ये जो कार्ड इसमें दिया हुआ है ये जस्ट एक प्रॉप की तरह दिया हुआ है, इसके एंटर करने से ही या इसको डालने से ही एक पिगी नहीं चलेगी, तो उसका भी एज अ प्रूफ मैं आपको दिखाता हूँ। ये मैं साइड में निकाल के रख दी है, तो मैं पासवर्ड टाइप कर रहा हूँ 1, 2, 3 ओके करके, मुझे फेस दिखाना है, ठीक है। ये देखिए, ये मैंने जो करेंसी डाली है मैं बाहर निकाल लेता हूँ और इसके बिना ऑपरेट होगा। और दूसरी चीज़ इसमें आपको एक और बताता हूँ, जब आप इसको बंद करेंगे तो ये बंद नहीं हो जाएगा, 4 सेकेंड्स के बाद ये बंद होने में लगाएगा। मैं फिर से दिखा देता हूँ, ये ओपन हो गया। अब आप इसको देखिए, अगर क्लोज करेंगे तो ये क्लोज नहीं हुआ है, ये 4 सेकेंड लगाएगा, उसके बाद ये देखिए खुद ब खुद क्लोज हो जाएगा। सुनिए, ये क्लोज हो गया, ठीक है। तो ये ऑटो डोर क्लोज है इसके अंदर, और इसमें कोई एक्स्ट्रा फीचर इसमें कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है, सिर्फ ये थोड़ा अट्रैक्टिव बना दिया है बच्चों के लिए प्ले करने के लिए। जैसे वो एक ATM से खुद ब खुद पैसे निकाल रहे हैं, तो वैसे ही पासवर्ड डालना है, जीरो करना है, और इसमें एक्स्ट्रा कोई फीचर इसमें कुछ नहीं दिया हुआ है। बाकी प्लास्टिक वाइज बहुत अच्छी है, बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है इसकी। यही था इस वीडियो में, नेक्स्ट टाइम आऊँगा एक और टॉय के साथ, तब तक के लिए गुड बाय वर्ल्ड।